बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक्सरसाइज 3.1 और उसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 3.1 और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? इफ़ ए मैट्रिक्स, हमें दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 1, 2, AB, ये ए मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स जो हमें गिवन है ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, वो इक्वल है 0, 0, 0, 0 के, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो हमें कहा क्या गया है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए और बी पहले देखते हैं है क्या। ए ये है, ठीक है, और बी यहाँ पर मौजूद है। ए क्या चीज़ है, वो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है। और इसी तरह से बी, ये स्मॉल बी जो है वो भी ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है। हमने ये इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ए और बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, अगर इन दोनों मैट्रिसेस की लेफ़्ट साइड्स को मैं इक्वल कर लूं, तो उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं फिर राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, फिर मैं कंपेयर करके वहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड्स को इक्वल कैसे किया जा सकता है इन दोनों मैट्रिसेस की, ये ए स्क्वायर है और ये ए है। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। और ये पहले से ए स्क्वायर है, तो ये दोनों की लेफ्ट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लेते हैं। ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, मतलब कि ए को आपस में दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना। ए डॉट ए जो है वो ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ए मैट्रिक्स से ही, जिसका रिजल्ट ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स जो है वो उसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, ठीक है, वो मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1, 2, AB, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना हमने ए मैट्रिक्स से ही। तो 1, 2, AB, ये दोनों जो है मैट्रिसेस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है, उसी तरह से परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो जो है पहले मैट्रिक्स की, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स से, ठीक है। तो 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1, 1 जा 1 प्लस 2 इंटू A, 2A बन जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से और 2 को A से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि फर्स्ट जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 2 को फिर B के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस 2B, ठीक है। ये फर्स्ट रो कम्प्लीट होगी हमारे रिजल्टेंट ए स्क्वायर जो है उस मैट्रिक्स की। अच्छा, अब हम सेकंड रो पे आते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो पे, इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये मतलब कि ए इंटू ए होगा, ए इंटू वन इज ए और बी इंटू ए इज ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। इसी तरह से अब ये ए जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2A प्लस बी जो है बी के साथ मल्टीप्लाई होगा 2B। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप क्वेश्चन में देखें, आपको गिवन है वो ये भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो आपने फाइंड किया वो भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स से हमने ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड किया। अब देखें, दोनों की लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसका ये मतलब है कि उनकी राइट साइड्स भी इक्वल होंगी, होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं या इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप जो नाम देना चाहें कि हम कंपेयर कर लेते हैं। तो राइट साइड जो है इस मैट्रिक्स की, इसको हम कंपेयर करते हैं उसके राइट साइड्स के, तो दोनों की राइट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इस ए स्क्वायर की जगह मैं पुट कर देता हूँ 0, 0, 0, 0,
ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स जो है उसकी राइट साइड होगी, और इसी तरह से इस मैट्रिक्स की राइट साइड ये है, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो हम इक्वल लिख भी देते हैं। ठीक है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2+2b ए प्लस ए बी 2a+b स्क्वायर। अच्छा, अब जैसा हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, अब ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हमने लिख दिए, उसका मतलब क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कि ये फर्स्ट एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा है, तो ये इस मैट्रिक्स के भी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि 1+2a इज इक्वल टू 0, 1+2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो फर्स्ट एलिमेंट के, सेकंड सेकंड एलिमेंट के, थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के, और फोर्थ एलिमेंट इस फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक तो मैंने ये लिख दिया, इसी तरह से मैं सेकंड एलिमेंट को भी लिख देता हूँ कि 2+2b जो है वो भी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हमारे पास वैल्यूज आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। देखें 1+2a इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से हम अगर कह a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, और इसको इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो b की वैल्यू जो है -2/2, मतलब के -1 के इक्वल आती है। तो हमने फाइंड क्या करना था, a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ठीक है, तो वो हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, a इज इक्वल टू -1/2 है और b जो है वो इक्वल है -1 के, ये दोनों वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं, मतलब कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, यही हमने फाइंड करना था। किस तरह से फाइंड किया कि हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन थे, ठीक है, एक ए मैट्रिक्स था और दूसरा ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो हमें कहा गया था कि ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, ए और बी जो है वो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे। ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं आपको ए और बी। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों मैट्रिसेस की लेफ्ट साइड्स को इक्वल किया। ठीक है, इक्वल कैसे किया कि ये ए मैट्रिक्स है, ए इसका जो ये जो है ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको ए स्क्वायर हमने बना लिया। किस तरह बनाया कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया, मतलब को इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैट्रिसेस पुट किए और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड तो ए स्क्वायर बन गई और दोनों की लेफ्ट साइड फिर ए स्क्वायर आ चुकी हैं। ठीक है, ये और ये वाला मैट्रिक्स आप देखें तो फिर हमने दोनों को कंपेयर कर लिया राइट साइड्स को, राइट साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो फिर हमने वहाँ से इक्वेट करके, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लिख कर हमारे पास दो इक्वेशंस बनी और हमने उनको सॉल्व किया, तो ए और बी की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर भी हमें ए मैट्रिक्स और ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो मतलब कि ये ए मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 1-1ab और दूसरा मैट्रिक्स ए स्क्वायर गिवन है जो कि इक्वल है 1-0-0-1 के। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में भी ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ये भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेम मेथड है कि इसको हम ए स्क्वायर बना लेते हैं, फिर हम राइट साइड्स को कंपेयर कर लेंगे, मैट्रिसेस को कंपेयर कर लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ए और बी की। अच्छा, ये तो हो गया 8th और 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम थे। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, वो देखते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमें गिवन है 1-1 2 0 3 1। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये कितने और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, देखें 2 रोज़, एक नंबर 1 रो और ये नंबर 2 रो, 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है,
दो रोज और तीन कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2x3, ये 2x3 का मैट्रिक्स है। तो और हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक और मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स जिसका नाम है बी, ठीक है, वो भी 2x3 का मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 3, 0, 1, 2, -1, ये भी 2x3 का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी दो रोज़ हैं, एक ये रो और एक ये रो, ठीक है, दो रोज होगी और इसी तरह से तीन कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर बना 2x3। अच्छा अब ये दोनों मैट्रिसेस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें कहा क्या गया है इस क्वेश्चन में, फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, हमें कहा गया कि हमने ये शो करना है इस इक्वेशन को कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये हम शो करते हैं, किस तरह से शो करते हैं, देखें जिस तरह पहले भी हम इक्वेशंस को शो करते आए हैं उसमें हम क्या करते थे कि लेफ्ट साइड लेते थे, उसको हम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे आते हैं। अच्छा लेफ्ट साइड जो है वो क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, जिस तरह से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं कि मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व किया जाए उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो है वो सॉल्व करते हैं, इसी तरह से हम पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए क्या है और बी क्या है, ये दोनों मैट्रिसेस हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और बी मैट्रिक्स, ए प्लस बी मतलब कि इन दोनों मैट्रिसेस का सम फाइंड करना है हमने, तो उनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं 1, -1, 2, 0, 3, 1 प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो 2, 3, 0, 1, 2, -1। तो इन दोनों मैट्रिसेस का सम फाइंड करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं, पहले तो देखा जाता है कि ये दोनों मैट्रिसेस सम हो सकते हैं या नहीं, सम कौन से मैट्रिसेस हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते, पहले भी हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को जब हमने सम पढ़ा था एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, वो ये था कि जिन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो सिर्फ वो मैट्रिसेस सम हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं या सबट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी 2x3 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x3 का मैट्रिक्स है जो हमने इस क्वेश्चन के शुरू में देखा कि दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, 2x3 के हैं, दोनों का सेम ऑर्डर है, तो मतलब कि ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं मैट्रिसेस, ठीक है, तो इनको ऐड कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे आपस में, ठीक है, एडिशन में क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं, मतलब कि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये फर्स्ट में ऐड होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड में, इसी तरह से बाकी सब भी। तो 1 + 2 = 3, -1 + 3 = 2, 2 + 0 = 2, 0 + 1 = 1, 3 + 2 = 5, 1 - 1 = 0, तो ये हमारे पास बना ए प्लस बी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो था वो हमने सॉल्व कर लिया, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, ट्रांसपोज है, ठीक है, ए प्लस बी तो हम फाइंड कर चुके हैं, उसका ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, ट्रांसपोज भी हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्या होता है, तो वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब के ए प्लस बी जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है 3, 2, 2, 1, 5, 0, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना, या फिर ये कहा जा सकता है कि कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 3, 2, 2 जो है वो एलिमेंट से फर्स्ट रो के इसको फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज में डाल देते हैं, मतलब कि 3, 2, 2, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम बन गया, इसी तरह से जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है, 1, 5, 0, तो ये हम फाइंड कर चुके हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज,
ठीक है, मैंने क्या कहा था, ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना या फिर कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देना। कॉलम्स को रोज़ में अगर आप देखें, ये फर्स्ट कॉलम था तो ये फर्स्ट रो बन चुकी है, ठीक है, 3-1 जो है फर्स्ट कॉलम था, 3-1 फर्स्ट रो बन चुकी है। इसी तरह से ये 2-5 जो है वो सेकेंड कॉलम था, ये सेकेंड रो बन चुकी है, और ये 2-0 है वो थर्ड कॉलम था, ये थर्ड रो बन चुकी है। इसी तरह से आप दे सकते हैं कि फर्स्ट रो जो है ओरिजिनल वेक्टर की 3-2-2 थी, ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम में आ चुका है, ठीक है। इन दोनों तरीक़ों से हम कह सकते हैं कि या तो रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया गया है या फिर कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है, एक ही बात है। तो ये होता है ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हम ये तो हो गया, हमने सॉल्व कर लिया लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन जो कि हमने शो करनी है। तो अब हम राइट साइड पे आते हैं, राइट साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, राइट साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अब यहाँ तो ब्रैकेट नहीं है तो हमें इन्हें अलग-अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज पहले लिखता हूँ मैं, इसका क्या मतलब है, ए मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स ये है 1-1-2-0-3-1, ये यहाँ पर लिख लेते हैं 1-1-2-0-3-1, ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1-1-2-0-3-1, ये बन गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह से साथ में क्या है, उसमें ऐड हो रहा है बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज पहले हम फाइंड करते हैं कि बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 2-3-0-1-2-1, 2-3-0-1-2-1, वो लिख लेते हैं 2-3-0-1-2-1, इसका भी हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, इसका रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 2-3-0-1-2-1, ये हो गया बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अच्छा, अब लेफ्ट साइड क्या थी, लेफ्ट साइड ये है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब कि हमने जो ट्रांसपोज फाइंड किए हैं ए और बी के, उनको ऐड कर देना आपस में, प्लस कर देना, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आया है वो है 1-1-2-0-3-1, 1-1-2-0-3-1, ये है ए ट्रांसपोज, और इसमें हमने ऐड करना है बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि 2-1-3-2-0-1, तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसी तरह से जिस तरह एडिशन होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, मतलब कि 1 जो है वो 2 में ऐड होगा, तो 3 आया, 0+1 is 1, -1+3 is 2, 3+2 is 5, 2+0 is 2, 1-1 is 0, ये रिज़ल्ट आ चुका है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा, ये तो है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड का रिज़ल्ट अगर देखें, 3-2-2-1-5-0, 3-2-2-1-5-0, 3-2-2-1-5-0, लेफ्ट साइड का जो रिज़ल्ट आया है वो राइट साइड के इक्वल है, ठीक है, वही रिज़ल्ट राइट साइड का, मतलब कि हम प्रूव कर चुके हैं कि लेफ्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड का जो रिज़ल्ट आया वो राइट साइड के रिज़ल्ट के इक्वल है। तो हम यहाँ से लेफ्ट साइड क्या थी हमारे पास, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो कि इक्वल आया है राइट साइड के, राइट साइड क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज,
ठीक है, तो हम प्रूव कर चुके हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है, पहले तो हम देखते हैं हमने दिया क्या है, गिवन क्या है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि इक्वल है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है ए क्यूब फाइंड करना है हमने। ठीक है, ए क्यूब किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ए क्यूब इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करेंगे, या फिर इसको कहा जा सकता है कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू ए। ठीक है, तो मतलब कि हमें ए गिवन है, यहाँ पर हमने ए क्यूब फाइंड करना है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लें, उसके बाद हम उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर किस तरह से फाइंड करेंगे, ए डॉट ए, जिस तरह से पहले क्वेश्चन में भी हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड किया था, जिस तरह ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लें, वो हम यहाँ पुट कर दें, तो मतलब कि ए के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें उस ए स्क्वायर को, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ए क्यूब का आ जाएगा। इस तरह से हम ए क्यूब फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब कि 3x3 का मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लिकेशन भी हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आप ख़ुद से ट्राई करें, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और मेथड मैंने बता दिया आपको, तो आप ख़ुद से ट्राई करें तो ये सॉल्व हो जाएगा।